वेलकम फ्रेंड्स, आइए आज हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, फन की बात करते हैं। यानी एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा जो साधन है वो घरों में अक्सर कर होता है, तो सबसे पहले जो है आता है टेलीविज़न की बात। टेलीविज़न सेट जो कि हर घर में होता भी है, चाहे पुराने तरीके का हो चाहे अभी LED स्क्रीन वाला हो। तो हम टेलीविज़न की बात करते हैं और इसका अकॉर्डिंग टू वास्तु प्लेसमेंट जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है ये देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट वो डायरेक्शन जो कि क्लैरिटी ऑफ माइंड वाला होता है, और यहाँ क्योंकि हर घर में टेम्पल भी होता है और वैसे भी इसको मेडिटेशन का डायरेक्शन भी कहा जाता है, और इसके अलावा मंदिर के लिए सबसे सुटेबल ये डायरेक्शन है। तो यहाँ अगर आपने टेलीविज़न सेट प्लेस कर रखा है तो आपका ध्यान किधर जाएगा? धार्मिक चैनल की तरफ। तो यहाँ अगर आपका टेलीविज़न का प्लेसमेंट है, इसका अर्थ है यहाँ ज़्यादातर आप जो धार्मिक चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है, उन्हीं को देखना पसंद करेंगे। फिर आगे चलिए ENE डायरेक्शन। टेलीविज़न के लिए सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन है वो यही है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये फन का डायरेक्शन है, एंजॉयमेंट का डायरेक्शन है। तो टेलीविज़न से अधिकतर क्या है कि फन या एंजॉय वाली एक्टिविटी ही होती है। तो यहाँ जो प्लेसमेंट अगर आप टेलीविज़न का करते हैं तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में अगर आपका जो टेलीविज़न रखा हुआ है तो आपके हमेशा पॉलिटिक्स की बात ही करेंगे, या उसके अंदर प्रोग्राम भी जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है उनको आप देखना पसंद करेंगे, या न्यूज़ चैनल्स हैं उनको ज़्यादातर देखना पसंद करेंगे। फिर आइए आगे ESC डायरेक्शन, क्योंकि ये एंग्जाइटी और चर्निंग के डायरेक्शन है। तो यहाँ क्या होगी, यहाँ बैठकर आप हमेशा एनालिसिस करने वाले जो डायरेक्शन है या रिसर्च से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है उनको देखना आप पसंद करेंगे ESE डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप हमेशा बिजनेस की कैश से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड, वहाँ पर क्योंकि पैसे की बात ज़्यादातर होती है तो वो चीज़ें आप देखना ज़्यादा पसंद करोगे। या उससे आगे जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ जो मोटिवेशनल जो स्पीकर्स है उनको ज़्यादा देखना आप पसंद करोगे, और उसी से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उनको ज़्यादातर देखना पसंद करेंगे आप। तो ये हो गया साउथ ईस्ट में आपका टेलीविज़न अगर रखा हुआ है और आप इसी तरीके के प्रोग्राम्स अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ का इफेक्ट आपके लाइफ में आ रहा है। फिर साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट वैसे भी डिस्पोज ऑफ करने की जो डायरेक्शन है, तो यहाँ अगर आपका टेलीविज़न सेट अगर रखा हुआ है तो वो बार बार ख़राब होगा, बार बार ख़राब होने के बाद में आपको रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी। तो यहाँ वैसे अवॉइड करना चाहिए साउथ वेस्ट के अंदर टेलीविज़न। साउथ वेस्ट में आप हमेशा क्या देखना पसंद करोगे, सोशल यानी फैमिली से रिलेटेड जितने भी सीरियल्स है, प्रोग्राम्स है, वो सब आप देखना पसंद करेंगे कहाँ पर, साउथ वेस्ट में। फिर WSW डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है एजुकेशन की और सेविंग की डायरेक्शन है, तो यहाँ अगर टेलीविज़न सेट रखा हुआ है तो ये ठीक नहीं है। यानी घर में अगर बच्चे हैं तो वो हमेशा एंटरटेनमेंट की बात करेंगे या फिर TV देखने की ही बात करेंगे, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर टेलीविज़न होने की वजह से पढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ भी टेलीविज़न सेट को अवॉइड करना चाहिए अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपके घर में आ रहे हैं तो। फिर आइए वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन क्योंकि प्रॉफिट और गेंस की डायरेक्शन है, तो यहाँ शेयर मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट डायरेक्शन है कि यहाँ पर टेलीविज़न में उसी तरीके के वो प्रोग्राम देखेंगे। और फिर जब अगर एंटीना भी उन्होंने वेस्ट की डायरेक्शन में अगर लगा रखा है, जो कि बेस्ट डायरेक्शन है एंटीना के लिए, तो एंटीना का प्लेसमेंट अगर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपने कर रखा है और टेलीविज़न सेट भी आपने यहाँ लगा रखा है, तो आप शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उसमें आपको प्रॉफिट और गेंस होंगे। फिर WNW डायरेक्शन इससे आगे है, तो ये क्योंकि मनोविकारों की डायरेक्शन है, तो यहाँ अगर आप बैठ के टेलीविज़न अगर आप देखते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, इसका अर्थ है आप हमेशा उदासी वाले जिसमें दुखी जो है लाइफ दिखाई गई है वैसे प्रोग्राम ही आप देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ
अवॉइड कीजिए अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपके आ रहे हैं तो। नॉर्थ वेस्ट में आप सपोर्ट वाले जो चैनल्स हैं वो आप देखना पसंद करेंगे। एनएनडब्ल्यू में आप अट्रैक्शन वाले यानी ऐसे प्रोग्राम जिससे आपको अट्रैक्शन प्राप्त होता है उस तरीके के सीरियल्स या प्रोग्राम आप देखना पसंद करोगे। नॉर्थ में आपने बाई चांस प्लेस कर रखा है टेलीविज़न तो आप हमेशा अवसर की खोज की वाले या कैरियर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनको आप देखना पसंद करेंगे। एनएनई डायरेक्शन क्योंकि ये हेल्थ और इम्यूनिटी का डायरेक्शन है तो यहाँ बैठ के आप क्या करेंगे टेलीविजन सेट में क्या करोगे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको आप देखना पसंद करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे घर का जो वास्तु है किस प्रकार से हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है यानी जोन्स के जो एट्रीब्यूट हैं वो के वो हमारे लाइफ के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप चेक करिए आपके अगर इसी तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं और उस जोन में अगर आपका टेलीविज़न सेट रख रखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो फिर जहाँ है उसको वहाँ रहने दीजिए क्योंकि वास्तु में अगर सिम्टम्स भी आ रहे हैं और आप उसको हटा भी नहीं पा रहे हैं तो उसका ट्रीट भी किया जा सकता है यानी टेलीविज़न को कलर के माध्यम से भी उसका ट्रीट किया जा सकता है और बेस्ट रिजल्ट वहाँ से लिए जा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स इसी प्रकार के अगर इंफॉर्मेशन वाली और जो वीडियोज अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।